है कि आप डूबकर कथा कहिए या सुनिए तो कथा कथा रह नहीं जाती, कथा लीला बन जाती है। माने शब्द का जो शब्द शब्द में स्वरूप है ना, दृश्य बन जाता है सामने। अब आपको हम किन शब्दों में आपसे कहें, आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। यदि आप भाव मग्न होकर श्रवण कर रहे हैं तो आपको श्रवण करते समय ऐसा नहीं लगा कि हम सुन रहे हैं, आपको लगा लीला का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। प्रेम सरोवर पर श्री गोविंद लीलामृत की कथा हो रही और पूज्य बड़े वृद्ध कुंज वाले महाराज जी बैठे वहां श्रवण कर रहे और श्री जी अब शरण कर रहे हैं श्री कृष्ण की ओर। वो जो झांकी है उस झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, कथा ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला हो जाती। और कई बार तो ऐसा होता है कि इधर कथा हो रही उधर लीला शुरू। दास के जीवन में एक बार ऐसा हुआ, टीकमगढ़ में झिरकी बगिया में कथा चल रही थी, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी विराज रहे थे, वो गिरिराज जी के पूजन का प्रसंग था, वो गर्मियों के समय वहाँ यज्ञ था और लीला वगैरह सब यज्ञ था और कथा थी, और आकाश में वर्षा का कोई लक्षण नहीं और गिरिराज जी की लीला का प्रसंग चल रहा, उस समय ये संगीत वगैरह नहीं था। तो दास ने कहा कि जैसे ही गिरिराज बाबा का पूजन संपन्न हुआ और इंद्र को गुस्सा आया और फिर मेघों को आज्ञा दी, खोद के बहा दो ब्रज को, गड़गड़ 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 मेघ गरजने लगे। हम तो कथा में बोल रहे और महाराज जी सुन रहे, और जैसी मैंने गर्जना गड़गड़ गड़गड़ किया जोर से बादल गरजे, सब आश्चर्यचकित हो गए ये क्या हुआ, बहुत जोर के बादल गरजे। चलो बादल ही गरज के रह जाए। मैंने कहा इंद्र ने जैसे ही कोप किया, सांप्रतक मेघों का आज्ञा दी, अब तो महाराज मोटी मोटी बूंदन थे पानी आना, इतनी जोर पानी बरसा कि व्यास पीठ को भी बचाना मुश्किल हो गया और श्रोता जहां बैठे थे वहां से इतना इतना पानी बह रहा है, सब भीज गए। लेकिन धन्य है बुंदेलखंड की जनता को, ऐसे श्रोता कोई उठ के कहीं गया नहीं, पूज्य गुरुदेव ही पूरे भीज गए, कोई कहीं गया नहीं। और पंडाल ऐसा कोई वाटर प्रूफ पंडाल था नहीं, देहात में तो ऐसे ही बनते हैं पतले पंडाल, सबरों पानी ऊपर थे नीचे ऐसे पंडाल। कथा पूरी भई और गिरिराज जी भगवान 7 दिन 7 रात तक धारण किए रहे कथा में, पूरे 7 दिन 7 रात नहीं। जैसे ही 7 दिन 7 रात्रि भई और अब मेघों के पास पानी नहीं रह गया, अब तो बेचारे परास्त रह गए मेघ, तो पानी बंद हो गया। और जैसे ही कहा पानी बंद हो गया, पानी बंद तुरंत, जैसे कोई स्विच दबाए तो पंखा बंद हो जाए ऐसे पानी बंद हो गया, एकदम खुल गया आकाश गिरिराज जी का पूजन। महाराज जी बोले, जब कक्ष में गए तो महाराज जी बोले, पंडित जी आज की कथा लीला बन गई। बोलो वृंदावन बिहार। तो भैया कथा में लीला में भेद नहीं है, कथा भी लीला बन जाती है, आप भाव से सुने भाव से कहें तो कथा लीला बन जाएगी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।